तस्वीरें भेजी हमें, कोई सफेद चीज तो नहीं देखी थी हमने। हो सकता है उस दौरान उन वो जो रिकॉर्ड में आया वो वाइट हो और वो ब्लैक, उस वक्त अंधेरा बहुत था तो ब्लैक में आया हो। वो तो आपके सरों पे मौजूद थी मुस्तकिल, जैसे ये भी हमारे ये मौजूद है यहाँ पे। सुना मैंने, बैठ हिला, मैंने सुना यार क्या माहौल है, बंदा खड़ा नहीं हो सकता यहाँ। डंडियों पे भी चल रहा है। खैर है सुल भाई, नीचे को बैठ। क्या हो रहा है ये चारों तरफ? यार मुझे अभी थोड़ी देर पहले लगा कुछ कदम यहाँ से ना टक 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 टकते कैसे गए। तो यार हमारे आमने सामने चल रहा है जमीन थोड़ा करीब करीब, जैसे हम रोशनी घुमाते हैं। सुबह यहाँ अड्डे साथ रहो, कमान पे साथ रहो यार। कमान लाइट ऑफ नहीं करना अपनी। ये देखो अब रोने की आवाज आ रही है। ये देखो हमें डराए मत बराए मेहरबानी, हमें अपने साथ समझे, अपना दोस्त समझे। आपके सामने है क्या हो रहा है यार ये? हमें पता है आप हमारे आसपास मौजूद हैं, ये जगह आपकी है, आप रहें। अगर कोई ख्वातीन है तो पर्दा कर लें, हम अंदर आना चाह रहे हैं आपकी इजाजत से। उस तफील एक्टिविटी के जंगल में तफील यार, मैं यार ये धोखा नहीं हो सकता यार, यकीन करें बाखुदा है धोखा नहीं हो सकता। आग की चिंगारी नहीं होती? हाँ, ये पिलर के पीछे दादा, उस पिलर के पीछे आग की चिंगारी, ये आगे वाला पिलर है ना, हाँ, उसके पीछे आग की चिंगारी जैसे भड़कती है ना, हाँ, वो जली और बुझी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इधर मैं बाखुदा आपसे कह रहा हूँ तीनों से, बहुत मोहताद हो जाए, बहुत मोहताद हो जाए। हम शाम में थे तो एक भी जंगल में से आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी दो तीन घंटे पहले की बात है। और उस तफील जंगल में ऐसा लग रहा है कि हजूम फिर रहा यार। आपको माफ, शायद घुंघरू की आवाज़ आ रही। नहीं कर कंफर्म, अंदर से घुंघरू की आवाज़ आ रही। नहीं यार मैंने नहीं सुनी, मैंने सुनी नहीं। हाँ ये तो कुछ हुआ है, ये तो कुछ हुआ है। किसका भी हुआ है यार, हमारा कदम उठाना मुश्किल हुआ हुआ यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ले लो मान लो इस बात को, बोलती है हमला होता है, कुछ ना कुछ मामला बिगड़ते हैं, कुछ पैरानॉर्मल होता है, जो चीज़ भांपती है। समझ नहीं आ रहा कि सर्दी से जिसम सुन हो रहा है या डर से। इतनी ठंड नहीं है आज, कोई ज्यादा नज़दीक आ रहा है? पहले काले रंग का कुत्ता यहाँ था ना, अब वो भी नहीं है। और सिर्फ आपको कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, अगर वो हम पर भौंक रहे तो हमारे करीब आना चाहिए था ना उनको। जगह के करीब कुत्ते भी नहीं आ रहे सुन, बट टटहरी भी दूर दूर से अलार्म दे रही है। ये वही जंगल है बाबा, वही जंगल है। ले तो माफ़ी मांगे, गलती हो गई है, हमने नहीं काटा ये दरख्त। हम यार कहीं हमें रिसीव तो नहीं कर रहे यार? रिसीव इस तरह किया जाता डरा के सुन, हम डर रहे हो लेकिन कोई सिंध ऐसी नहीं है जहाँ से आवाज़ ना आ रही, मुस्तकिल मतलब चार कहीं, होती हैं तो हर सिंथ में। कहीं इनको महसूस हो गया कि हमने नहीं काटा ये, या लेकिन कटहरी की वार्निंग दे रही है बार बार, नापास ना कर दें बस, बच अभी ना बच।
चल भाई, यहाँ काले रंग का कुत्ता हमने पहले रिकॉर्ड किया है। पहले रिकॉर्ड किया है। सच्चा था वो इस गार्डन का पालतू होता है कुछ तो अभी मिलता ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आ रही हो, ये देख कुत्ता आ गया हमारे पास। ये देख हां, ये हमला करेंगी, ये हमला करेंगी। बहुत संभालिएगा आप। तो जात कुछ यहां से भाग गई है, सफेद सी चीज भागी कोई ना कर सोच, कंफर्म भागी इन दरख्तों में से है। कुत्ता तो नहीं था? नहीं नहीं, मैंने खुद देखे इन दरख्तों में से। क्या भागा है? कोई वजूद भागे, बहुत बड़ा था ना। नहीं यार, हाँ भागा यार, कंफर्म यार। पैरों की आवाज तो यहीं से शुरू हो गई थी, ये इधर से मैंने भागते हुए देखी यार। ये रो कौन रहा है कामरा? मेरी आंखों में मैंने खुद देखा यार। अल्लाह माफ करे, रोने की आवाजें अच्छी नहीं है यार। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुन रहे, हमारी गाड़ी के पास हमारे लाहौल में कुछ चलता है। चुप चुप खड़े रहने सारे। कौन रहा है कामरा? मेरी आंखों में मैंने खुद देखा यार। अल्लाह माफ करे, रोने की आवाजें अच्छी नहीं है यार। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चल रहे, हमारी गाड़ी के पास हमारे लाहौल में कुछ चलता है। चुप चुप खड़े रहने सारे। यार हम चारों के अलावा भी कोई है यकीनन यहाँ पर। कौन? ये हमारा साया है सामने। ये सामने शीशे में हमारा साया है। हाँ अगर कोई खवातीन यहाँ पर है तो पर्दा कर लें। ये गेट खुला हुआ था? नहीं। कामरान भाई, कामरान भाई, गेट खुला था? सिराज जी, ये गेट खुला नहीं, नहीं बंद था। सामने सामने वाला? सामने वाला नहीं, ये नहीं खुला हुआ था। नहीं नहीं खुला हुआ था, नहीं खुला हुआ था, नहीं खुला हुआ था। ये कैसे खुला है? हवा से? रोने की आवाज है, कोई रो रहा है। कौन? अभी दम ऊपर नीचे हो रहा है, इतना पता है। अभी दम ऊपर नीचे हो रहा है, इतना पता है। ओ यार, हम चारों के अलावा कोई है इधर हमारे बीच में? कोई है यकीन करो, कोई बीच में है। मेरे पांव के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आवाज बहुत करीब से आ रही है। हमारे बीच में कोई है, पता नहीं गुजरा है पास से भजन। मेरे पाँव के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। शीशे में से नजर आता है सर भाई? नहीं, मेरी लाइट तो और खत्म कर देगी इसको। इसका तो मतलब है कुलाड़ी का वहाँ पार करने के लिए बिल्कुल लिखी हुई भी यूं है अलका पार्क। ऐसा ना बोलो दादा, ऐसा ना बोलो। समझ ना, कर आप करीब ना जाए भाई, तो खतरे के नाम होते भाई। हाँ समझ फिर। मुझे लग रहा है हम किसी और जगह आ गए हैं। खिड़कियाँ नहीं खुली हुई थी, कुल्हाड़ी यहाँ नहीं थी, वो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था। जब हम दोबारा आएंगे तो अंदर चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन मैं बताऊँ, जब हम बाहर थे हमें अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हाँ। चीज़ों के मूव होने की। हाँ। सामान की यहाँ वहाँ होने की। मुझे महसूस हो रहा है मेरे साथ ही कोई चल रहा है।
ऐसे मुझे महसूस हो रहा है मेरे साथ ही कोई चल रहा है पीछे। सामने स्टोर रूम है जी, सामने कोई था नहीं? नहीं नहीं महसूस हुआ तो नहीं। आप वहाँ थे, कोई नजर आया था? नहीं कोई नजर नहीं आया। मुझे पता नहीं, कोई फीमेल प्रेजेंस होती है ना, जैसे हमिंग साउंड कह लें। तो आवाज सुन रहे, मैंने इसके अंदर से आवाज सुनी थी, मैंने इसके अंदर से आवाज सुनी थी। कोई था इधर? मैंने रोने की आवाज सिसकियों की नहीं होती जैसे, मैंने इसके अंदर से सुनी। भाई पहले थे नहीं शाह? नहीं शाह पहले नहीं थे। लाल नहीं, जब हम पहले इस जगह पर आए हैं तब थे? नहीं थे, नहीं थे। नहीं उसमें बस भी शायद नहीं थे। बात करेंगे हमसे बगैर नुकसान पहुंचा। हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? हमें नहीं समझ आ रही। एक नहीं कई हैं, एक साथ तीन चार जगहों से आवाजें आती हैं। क्या चीज़? मैं चारों तरफ घूम जाता हूँ, अपने हर तरफ से आवाज आती है यार। जब यहां तक आने दिया है आपने, जाहिर करेंगे खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए। सचा सचा क्या है शराब भी? क्या है यहाँ से कुछ है? ऐसे लगा किसी ने किया यार, ये आपसे दूसरी बार हो रहा है ऐसा। इधर मैं पत्नी के पीछे चला रहा हूँ, बैठ के नीचे देखना। ये देखो पड़ते ही पीछे, पड़ते ही पीछे। बहुत बड़ी वजूद है ना, फिर दूसरी दफा हुआ ये। कमरा भी भाई चेक करें, वही तस्वीर वाला कमरा है, यहीं पे ही बेड पे रखी हुई थी। करीब से हमारी आवाज आती नजर क्यों नहीं आता था? ज्यादा एक्टिविटी है तेरे की आवाज से। और बोल 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 मैं सुनी नहीं जा रहा हूँ। हाँ ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी है तेरे की आवाज से। और बोल 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 मैं सुनी नहीं जा रहा हूँ। नजर नहीं आता कोई। अरे सुहेल भाई, कामराम भाई, शिराज भाई, वो पैसे लिए रहा। ये था वो
और सिर्फ उंगली है। पहले नहीं था, इतनी जल्दी उंगलियाँ या तो बच्चे की होती हैं या लड़की की होती हैं, और इसकी हथेली कितनी बड़ी है भाईजान। ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ तक, और ये हथेली जो है मतलब मेरी हथेली यहाँ तक है, उंगलियाँ इतनी हैं, हथेली इतनी है, लंबी है, बाकी यहाँ तक। बहुत लंबी उंगलियाँ, पतली, किसी मर्द की भी इतनी लंबी नहीं होती, बहुत पतली उंगलियां, बहुत लंबी और बहुत पतली हथेली, बहुत बड़ी। ये भी पैर के अंगूठा है, ये देखिए, ये कैसा है, दीवार में चला है कोई इसमें भाई, ये पहले निशान नहीं, पैर का अंगूठा दीवार में चल रहा है, ये फुटप्रिंट ऐसे है, मैं ऐसे भी दे सकता अपना फुटप्रिंट, इतना ऊपर ला सकता, इधर भी है कि नोके देख लो, नोके देख लो, उंगली की नोके, दीवार में चल रहा है, दीवार में चल रहा है। मैंने कहा था ना, हमें लास्ट में यहाँ से वाइब्रेशन महसूस हुई थी, जलजला जैसे आता है सर भाई, वो उसकी हर सिमत में दाखिल हो चुका है, वही वो ये आपके सामने है, इतने ऊपर पांव का निशान ऐसे, और इतनी पतली उंगलियाँ, और इतना लंबा एक हाथ, यहाँ तक उंगलियाँ और यहाँ तक हथेली, मतलब मेरे डबल हाथ सुन रहे जी, और वो जो पैर है ना उसमें बीच में बस एड़ी के बीच में गैप है पूरा, उसको वजूद ही नहीं आया पूरा, ये अंगूठा गैप ही नहीं है, ये अंगूठा, ये उसके साथ ही उंगली, चार उंगलियां, और इधर पांव कैसे आया किसी ने, नहीं ये एक बार ऐसे हो तो जैसे मुझे दीवार में चले, ये नोके जो उंगलियों की बनती है नीचे की तरफ कैसे बन रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर, इंसानी इंसान का नहीं, और ये पहले नहीं थे, पहले नहीं थी, ये निशान पहले नहीं थे, यहाँ पर कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे भी यही है साहब, कंधे और सर बिल्कुल भारी हो गए इस वक्त, मैं समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अजीब लफ्ज, अजीब जबान बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं। हेलो, सामने नहीं आना, ना आए कुछ बोल दें, चीजें चमकना शुरू हो गई, ये हमने क्या देख लिया आज यार, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम सलाम, यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपके गाँव से बेशक उस पार जाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है अल्लाह का, कदर करता हूँ जी आपके इंतज़ार की, मोहब्बत की, दुआओं की, खुसूसन मुझे पता है आप भी उतना ही हैरान हुए होंगे जितना हम हुए थे, आज तक नहीं देखी ऐसी चमकीली मखलूक, ऐसा चमकदार लिबास, इतनी चमक, इतनी शाइन कि ये हमने अंधेरे में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि रोशनी में तो ये चीज़ें दूर हो जाती थी, जहाँ जहाँ इन पर रोशनी पड़ी है वहाँ वहाँ से गायब हो गई हैं, हमें अंधेरे में सफ़ेद चीज़ें नज़र आई हैं, जब हम दाखिल हुए थे इस जगह पर तब से आ रही थी नज़र, लेकिन कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, कैमरे को लाइट चाहिए और जहां लाइट में कैमरा जाता वहां ये चीजें पीछे हो जाती,
तो हम इनसे दूर हुए हैं, और मैं शुरू से कह रहा था कि आप थ्रेशोल्ड कीजिएगा, आप अंधेरे में जो हम रिकॉर्ड करेंगे आप उसको देखिएगा, आपको मिलेंगी चीजें। मुझे था सफेद चीजें मिलेंगी, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं चमकदार चीजों को रिकॉर्ड कर लूंगा। आप अंदाजा लगा रहे, चमकीला लिबास, क्या कहेंगे इसको कि शाइन, मतलब जिसमें से चमक निकल रही हो, फुल मून नहीं था मेरे ख्याल से, रोशनी फूट रही होगी, ये होगा। अब ये पांच तो हमने अपनी आंखों से देखे, ना सिर्फ बल्कि रिकॉर्ड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं ये, मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी के पास क्यों बैठे हुए हैं? वो तो सोहेल भाई ने कहा कि भाई गाड़ी के पास नहीं, दरख्त के चारों तरफ बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। रो भी कैसे रहे, जैसे जानवर रोते हैं, जैसे बिल्लियां रोती हैं। यार अक्सर फजर के टाइम पर या आधी रात को अक्सर लोगों ने सुना होगा बिल्लियों की रोने की आवाज। मेरे एक दोस्त वकार बलोच, वो यासर नवाज के कजन है, यासर नवाज भाई के कजन, दानिश नवाज भाई, यासर नवाज भाई, तो वो बैठते थे साथ हमारे पुराने घर में, तो बिल्लियों की आवाज उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हम तो कहते हैं ना पढ़ लेते हैं या हल्का सा, वो उनको कुछ होना शुरू हो जाता था। अच्छा। वो भागते थे उनके पीछे ना, यार सज्जाद यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होती यार, इनको चुप करा दो या भगा दो यार, इस लेवल के। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं बिल्लियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। यार शिराज भाई वो ये रो रहे थे, हमने रिकॉर्ड की है ये, मैं आपको सब दिखाऊंगा आगे, मैं चाह रहा हूँ इससे तो बाहर निकले पहले। ये क्या देख लिया हमने, काली चीजें बे इंतहा देखी, सफेद चीजें बे इंतहा देखी। आज से पहले कभी हमने कुछ चमकीला रिकॉर्ड नहीं किया, एक नहीं कम से कम पांच, कम से कम पांच सर इनके पीछे हैं। अच्छा। कम से कम पांच, और बकौल सोहेल भाई के भाई और पता नहीं कितने थे। ये जैसे यूं जल बुझनी होता, जलना बुझना जलना बुझना, मैंने भी दो तीन बार आपको पहले भी कहा था कि मुझे कुछ चिंगारी नुमा रिकॉर्ड हुई है, कुछ सफेद चीजें मैंने तो देखी गाड़ी में से, तो मैंने भी देखी थी कि वो रोशनी रिकॉर्ड हुई थी। अब ये देख रहे हैं आप, इनका चमक ना देखें, इनका चमक ना देखें, इनका चमक ये मुजस्म नहीं चमक रहे, जैसे कहीं मखसूस जगह पे चमक है, बस जहां लाइट आती है वहां पर इनकी चमक रिकॉर्ड। और ये अंधेरे में बैठे, हमारी लाइट की रेंज ये है, ये अगर लाइट हमारी यहाँ जाते हम इनको नहीं देख पाते। लोग कहते हैं आप अपनी लाइट बढ़ाएं, अरे बाबा लाइट ये तो हर जगह है, ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत थी, ये तो हर जगह है लाइट में, तो ये आपके आसपास है, आप नहीं देख पाते। अब देख लें आप चीजें, जहां हम पहले देख रहे थे वहां लाइट जाती, ये चीजें पीछे हो जाती। हाँ यही बोलते तो यार, जैसे नहीं वो सूरज का साया जो है, जब साया आता है तो रोशनी पीछे चली जाती है, कभी आप देखें बादल आते हैं कैसे जाती है रोशनी पीछे, वैसे ये हो रहा था। ये हमारी लाइट की रेंज है और यहाँ ये चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गाड़ी वाइट, उसकी रिफ्लेक्शन से शायद हम ज्यादा कैच कर सके हैं, एलिमिनेट करवा दें सब। जी मैंने कहा ना करवाया जा रहा है। अब चमकदार लिबास कौन पहनते हैं, ये लिबास है इनका, ये चमक कैसे है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इस बार हम पर हमला नहीं हुआ, इस बार हमने आग के शोले नहीं देखे। एक ख्याल ये आता है कि जो आमिल हजरात यहाँ पर आए उन्होंने शायद यहाँ पर जो वो सख्त तरीन मखलूकात थी ना, शदीद जो मखलूकात थी, उनको शायद वो यहाँ से हटाने में कामयाब हुए। क्योंकि हमने आग के गोले लास्ट टाइम रिकॉर्ड किए थे, आपको याद हो तो, हम पर सीधी लकड़ियां आई थी और ऐसी आई थी कि वो घुस गई थी। हमारी गाड़ी ने कभी अलार्म शुरू नहीं किया था, इसको इतनी जोर से वो लकड़ी लगी थी, निशान भी मैं दिखा दूंगा आपको, मैं आपको दिखा दूंगा निशान, डेंट दिखा दूंगा आपको इस पर जो इस पर लगी थी आग, और इसने अलार्म दिया, डेंट याद दिलाएगा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की निशानी। अब इस बार क्या हुआ, एंट्री से ही ना मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यार वो आ रहे हैं सामने, जाहिर हो रहे हैं, सफेद लिबास में है, और मुझे ना हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन मुझे महसूस हुआ ख्वातीन हैं, फीमेल्स हैं,
उनका जहां जहां मैंने उनको देखा ना अपनी आंखों से, वो इतने चौड़े नहीं थे। अच्छा। और जैसे एक बुरका नहीं पहनते, सफेद बुरका हमारे अक्सर, अगर आप इंटीरियर या गांव देहात में जाए ना, हमारी बड़ी बूढ़ियां जो है ना सफेद रंग के बुरके पहनती है, जिसमें जाली वाले बुरके जो थे अक्सर। अब मुझे वो फील आ रही थी। फिर जब मैंने इनको रिकॉर्ड किया है और जहां जहां देखा है, आप खुद नोट कर लीजिएगा, कुछ आवाजें भी हमें फीमेल्स की आई वहां पर। हम फीमेल की तो मुस्तकिल रही है भाई, अंदर भी रही है भाई, अंदर बाहर हर जगह। कई आवाजें तो हम सुन भी नहीं सके थे, वो आप लोगों ने बताया कि यहाँ ये आवाज आई, यहाँ ये आवाज आई। फिर जो एंड में हुआ, अल्लाह अकबर, मतलब मुझे बड़ी यकीन है, उम्मीद है मुझे बहुत ज्यादा कि आप लोग महसूस किया होगा आपने इस पूरे वाक्य को, इस जो है ना सफर को, हर चीज को ना। अब एक दो तीन चार और ये पीछे पांच, ये मूव हो रहे थे इधर। मैंने कभी इनको यहां देखा, कभी यहां देखा। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें आप, यहां एक सफेद रंग की बिल्ली आ रही थी बार बार, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैंने जब जब देखा ना इनको, इनके साथ सफेद बिल्ली जरूर देखी। जी, जी, जी। मैं आपको सब दिखाऊंगा। मैं गाड़ी में दाखिल हो रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, इनके साथ सफेद बिल्ली, जैसे इनकी पालतू नहीं होती, जैसे मेरा कोई पालतू जानवर होगा, मैं जहां होऊंगा वो मेरे साथ होगा, वैसे वो, और बिल्कुल इनके सराउंड में चलना फिरना, इनके साथ साथ रहना। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो भी बिल्ली ही थी या बिल्ली की शक्ल में कुछ था, क्योंकि थी वो भी सफेद, वो इनकी तरफ नहीं दिख रही थी, वो देख हमारी तरफ। हाँ, वो ऐसा, वो उससे और श्योर हो रहा हूँ कि शायद इनकी पालतू थी, हमें देख रही थी। यहाँ भी आई है वो, यहाँ बैठी है हमारे और इनके बीच, दरमियान आके यहाँ बैठी हुई थी वो, सेंटर में बैठी थी। आप अंदाजा लगा लें, मतलब हम कौन है, और एक आवाज नहीं सुन रही थी। नहीं नहीं, नहीं, हमने बिल्लियों के रोने की आवाज सुनी, उस एक बिल्ली की आवाज नहीं सुना। हम अंदर भी गए, हर जगह गए, हमें नहीं मिला उसका। यहाँ जी वो बिल्ली पता क्या कर रही थी, वो यहाँ से यहाँ जा रही थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी दो बार, और फिर बीच में आके बैठ गई वो। आप प्रोग्राम में देखा होगा आपने, यहाँ बैठी हुई हमारे बीच में। अब मैं बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे, खौफ आ जाता है दिल में, आपको फील हो जाता है कि नहीं यार ये नॉर्मल बिल्ली नहीं है, ये कुछ और है। यहीं से तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, तुम्हें अपना पैगाम पहुंचवाया जा रहा है। क्या पैगाम पहुंचवाया जा रहा है, कि हम रो रहे हैं, और कहाँ रो रहे हैं, उस दर्द के पास बैठ के रो रहे हैं। अक्सर यार इनके बच्चे भी होते हैं, मेरे पास जो केसेस आए ना, मुश्ताक का जो केस आया था, वो ये आया था कि मुश्ताक भाई ने पत्थर फेंका था दरिया में अपने गांव में मानसहरा साइड पे, तो उस पर वहां से असर हुआ था। और जब मौलाना मोहम्मद उमैर साहब पिंडी जो आए उनका इलाज करने, उन्होंने जब उनसे बात की तो पता चला कि जी इसने हमारे बच्चे मारे हैं। जिन जो उसके ऊपर था असर जो था, वो ये कह रहा था कि इसने हमारे बच्चे मारे, इसने पत्थर फेंके हमारे बच्चों के। अक्सर लोग नापाकी करते हुए जब उन पर असर हुआ है, मेरे पास दो तीन केस आए मुल्तान से, क्या हुआ जी, इसने हमें नापाक कर दिया, हमारे वहां बच्चे सो रहे थे, हमारे वहां बच्चे थे, उसने आके उन पर नापाकी कर, तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादातर बच्चों को लेके जो है ना ये पोजेसिव हुए हैं यार, बच्चों में जान होती है, सबकी घर में बच्चे हैं, सबके अंदाजा होता है, उनको भी बच्चों के मामले में नहीं बर्दाश्त हो पाते। अब ये रो ऐसे रहे थे जैसे बड़ा नुकसान, जैसे अफसोस के घर में नहीं जाते आप कभी मैयत, और जो खवातीन का माहौल होता है, बैन करना भी होता है ना, बैन, मर्द तो चलो थोड़ा कर जाते हैं कंट्रोल, अंदर रख लेते हैं, लेकिन हमारी खवातीन जो है, जैसे वो एक शोक का समाज तीन दिन का जो करते हैं माहौल, वैसा माहौल महसूस हो रहा था, दिल रंजीदा हो रहा था यहाँ पर। वो आवाजें मैंने अपने कानों से सुनी ना वहां पर, और वो ऐसी यार, मतलब मैं अब बड़ा मैं शक होने लगा है मुझे कि जो मैं बिल्लियों के रोने की आवाजें सुनता हूँ अक्सर, आया वो बिल्लियों की ही होती है, किसी और मखलूक की होती वक्त तक तो बिल्ली की होती। अभी शमून अब्बासी भाई ने भी रिकॉर्ड की है एक ऑडियो। अच्छा। वो बड़ी वायरल हो रही है, मुझे भेज रहे हैं सब के यार, ये तो आपके साथ शूट पर भी गए थे। हाँ, शुरू में थे हमारे साथ। जी जी, हमारे साथ माशाल्लाह रहा है। और कब्रिस्तान कौन सा, चौकंडी कब्रिस्तान में शमून अब्बासी भाई हमारे साथ थे। तो वो शौक रहा है ना उनको भी, साया और इस तरह। जी जी। उन्होंने रिकॉर्ड किया ऑडियो ना, मुझे भेजी है, वो भी रो रहे हैं। अच्छा। ऐसे रो रहे हैं,
जैसे ये हो रहा है, सही आप अंदाजा लगा लें। अब महसूस ऐसे हुआ जैसे इनका बड़ा नुकसान हुआ है, दरख्त हमारे लिए वो दरख्त था शायद, इनके लिए इनका घर था, सही हमारे लिए वो एक बेजान बगैर पत्तों के दरख्त था, लेकिन शायद इनके बच्चों का आशियाना था क्या था। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया जो लोग यहाँ पर आए, हम पर आग के गोले नहीं बरसे इस बार, हम पर लकड़ियाँ नहीं आई इस बार, हमें कुछ आग के गोले नजर नहीं आए कहीं पर। क्या वो इनके मर्द जिन्नात थे? वो शरीर जिन्नात होंगे, वो जो वो शरीर जिन्नात थे। क्यों हमने सिर्फ ये सफेद और पोलाइट आवाज रोने की खुशियों की ये आवाजें सुनी? आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कुछ आवाज़ों को लेके, कुछ हरकत को लेके। तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि आगाज़ से यहाँ पर क्या क्या रहा हमारे साथ, तो कहते हैं ना जब चीज़ को समझना हो तो उसकी शुरुआत से देखो, उसको दोबारा चेक कर। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ क्या मामला रहे। ये देखिएगा जी, इस अंधेरे में कुछ सफेद है, ये आया नजर आप? हाँ, इधर भी और इधर भी। यहाँ ना मैं, मेरी गाड़ी की लाइट यहाँ तक है, ठीक है, और पहले मैंने इतनी चीजें यहाँ देखी हैं। अच्छा, तो मैं, मेरे हाथ में थी ना लाइट, अब मैं उसको डिम फुल कर रहा था, तो जब मैं उसको बढ़ाता ना तो वो चीज वहां नहीं होती जहां मैं पहले देखता। तो मैंने सेकंड फ्रैक्चर, बिल्कुल जैसे लाइट के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे ना मर्ज हो जाते हैं लाइट के अंदर। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिम रहने दी लाइट और आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ा उनकी तरफ कि मुझे बस एक झलक उनकी मिल जाए, मैं रिकॉर्ड कर सकूं। और आप देख लें, मैंने कामरान भाई से कैमरा लिया और मैं इसको कुछ रिकॉर्ड किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा। ये देखें सफेद सी चीज़, ये पिलर नहीं था, ये पिलर नहीं था, ये अंधेरे में कुछ सफेद है, ये पिलर नहीं है। पिलर दो थे वहां पर, गोल से पतले से, 4-6 inch के गोल गोल थे। हाँ, दो पिलर थे, सही। वो आगे जाके आप देख सकते, चेक करें, दिन दिन देख भी याद आ गया, मैंने फोटो ही बनाई तब जब याद आ गया। वहां पर दो पिलर थे व्हाइट, 6 या 8 inch वाले गोल, ये पिलर नहीं था। हाँ, और मेरी लाइट जहां बढ़ती ना, ये चीज पीछे हट जाती। ये हमारी एंट्री है, ठीक है, ये अभी हम दाखिल हो रहे हैं रात में। ये देख लें आप, ये देख लें, आ रहे अब, ये देख रहे हैं आप, नजर आया आपको जाते हुए बिल्ली? ये नहीं, पीछे मखलूक और उसके पाँव के पास जा रही है वो, ऐसी ही थी जैसे कि आराम से टहलती हुई, जैसे वो तो अपनी ही है, अपना ही है, कोई घर का ही है, या मैं उनके घर की हूँ, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं आंखों से, लेकिन बिल्ली हमें दिखती है। बिल्ली जा रही है, सफेद बिल्ली गई। पालतू थी या कोई नस्ली थी, जैसे होती है बहुत ज्यादा इसमें किस्में होती है ना, बड़ी मशहूर मशहूर कैट्स की जी, कुछ वो नहीं थी, थी वो स्ट्रीट कैट टाइप ही, लेकिन बाकी तरह स्ट्रीट कैट टाइप की होती है, लेकिन नीट एंड क्लीन थी। यस, ऊनी वाइट थी, वाइट जैसे वो नहीं है कि हाँ एक है बड़ी मशहूर बिल्ली के कैट, वैसी थी। अच्छा जी, ये अब हम जी रात में ना गाड़ी से उतर नहीं रहे थे नीचे थोड़ा 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 क्या हाँ, हाँ, क्योंकि हमने ये सोचा था कि भाई पता है सपना, और बिल्कुल जो है ना ऐसा नहीं करना कि आओ बैल मुझे मार,
जो जितनी पहले बड़ी मैंने कोशिश की आप हर तरह की बातचीत करने की, ना गाड़ी में बैठे उतरे नहीं थे, तो अभी हम गाड़ी में ही थे और यहाँ पर ना कुछ हुआ था, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये देखा, ये देखा ना कुछ ताख जैसे बकायदा कोई शाख टूटी हो। अब मैंने कहा कोई लकड़ी ना आए फिर, अब जो आई थी पहले शाख तो टूटी है, बताया नहीं आपने यहाँ पे, वहां नहीं बताया मैंने तो आप नोट कर लें कि बकायदा शाख टूटने की आवाज आई है जैसे कुछ टूटा होगा। और वही मैं ना इसे जब ना सरेंडर कर देना, मैंने वहां पर ओपन नहीं कहा कि जी हम अफसोस के लिए आए, हम जो है ना जानते बूझते आए, मिलने आए आपसे, कोई मसले का हल निकालने आए और कोई नुकसान है कोई ऐसी बात नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये देखा, ये देखा ना कुछ, इसको इधर ही रहने देते हैं बंद, ये देखा, ये गिरा ना कुछ, ये दरख्त के बीच में ये रिकॉर्ड हुई, राइट बढ़ाओ, बड़ा नहीं है, चमक दे पीछे से चला, चमक के चमक आ रही, ये दरख्त है, हाँ दरख्त में देखिएगा ये भाई, ये दरख के बीच में देखा ना चमक आई है, ये तो मैंने वहां आंखों से भी देखी थी जी, ये दरख के बीच ये, हाँ ये चमक, ये भाई ये अभी हम गाड़ी में ही थे और अब हम अपने आसपास ही देख रहे थे और मैं मुझे ही महसूस हो रहा था कि रोशनी में हम शायद वो नहीं देख सकेंगे जो हम अंधेरे में देख लेंगे आसपास। मैं इसलिए कह भी रहा था कि बार बार ना अंधेरे में रिकॉर्ड कर लें, आप हमारे पास थ्रेशोल्ड का ऑप्शन होता है, हम अंधेरे में ब्राइट करके देख सकते हैं उस चीज को जो हमने अक्सर देखा भी है, ज्यादा तो अंधेरे में चीजें मिली जी। अब कामरान भाई कह रहे थे कि जी ये आंखें हैं और फिर ये जिगर ना फिर नजर नहीं आई, रोशनी में नजर नहीं, और इधर तो घने जंगल था, घना जंगल जी, लाहौर में हुकूमत इतना बिल्ला इलाही रजीम, सुना जी आपने, हम बाहर हैं और अंदर से आवाज आ रही है, लकड़ी की आवाज अंदर, लकड़ी का जो मुझे याद पड़ता है वो बेड था, दरवाजे थे और अभी हम जी यहाँ थे, हमें यहाँ महसूस हो रहा था जैसे कुछ चीजें हैं ये तो, और कुछ शायद हमने रिकॉर्ड भी किया है, कुछ साया सा चीजें ना जैसे गायब होती हैं पीछे पीछे हटते हुए या नीचे बैठते हुए या महलूल होते हुए ना हमने रिकॉर्ड किया। अभी हम बाहर ही थे, हमें अंदर से आवाज आ गई थी, ये सफेद वजूद दिख रहा था, मैं पूछ रहा था कि इस तरफ पिलर तो नहीं है, एक सफेद चीज दिख रही है, क्योंकि वो मतलब वो ऐसा लगता है वहां से कोई देख रहा है आपको ना, ये जो बीच वाली खिड़की है ना ऐसा लगता है कि उस खिड़की में दिख रहा है, उस खिड़की में दिख रहा है, एक नहीं था, हाँ एक नहीं, एक नहीं थे, वो जो कामरान पे कह रहे थे ना छत पे है, हाँ, आप खिड़की पे, हाँ मैं खिड़की पे, मैं इधर सुरेश भाई उधर, हम सबको अलग अलग जगहों पे दिख रही थी चीजें खिड़की में, तो शाम से डाउट था दिन में ही ना, दिन को शाम को फील हो रहा था कि अंदर जगह ना खाली नहीं है, ये मैंने कहा है तो सही रहा, बहरहाल जी ये हम बाहर थे और यहाँ पर जो आवाज हम शाम को जब आए, ये देख हम शाम को जब आए, ये देख एक आवाज पीछे से आती जिस पर आप कहते हो कि कुछ गिरा है, हम पीछे पलटते हैं अगली आवाज यहाँ से आती है, जैसे मैंने कहा ना एक नहीं, तो अंदर बकायदा हमें मूवमेंट, आपने एसएसडी में देखा होगा कि क्या क्या मिला है हमें अंदर, तो लंबे हाथ और लंबे पैर दीवारों पे, यार ये पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे लंबे हाथ पैर, यहाँ तक, और ये हथेली जो है मतलब मेरी हथेली यहाँ तक है, उंगलियाँ इतनी है, हथेली इतनी है, लंबी है बाकी लंबी तक ये।
मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इतनी बड़ी भाई, चील से बड़ी है ये हमला करेगी। देखा ना भाई, चील से बड़ी है। हाँ हाँ भाई, पता ही चलता। मैंने इसके साथ कैमरा घुमाया ना, घुमा तो ऐसा तुम्हें आंखों से देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म में जीपर क्रीपर्स, वो इतना भयानक चेहरा उसका, मुंह दाल और इसकी नजरें हम पे ही। ये दिखाने का मकसद ये है जी, एक चीज टीवी पर देखना होता है और एक चीज आंखों से देखना होता है। तो इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन में बड़ा फर्क है। सही बात है। एक आपने पढ़ी होती है, देखी होती है चीज, एक आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो जो रिएक्शन आप नोट कर रहे हैं ना कि देख ली पहली बार कराची में, जो पहले देखा था स्क्रीन पर वो आंखों से देख ली। और नो डाउट सुहेल भाई ने सही कहा, कामन भाई ने भी सही कहा, ये अटैक करती अगर हमारे पास लाइट्स ना यार। वो देखती भी गई है नीचे। ये एक तो हमने रिकॉर्ड कर ली ना, ऐसी कई होंगी। सजाद ये साइज स्क्रीन का इतना सा दिखा ना, ये तो दरख्तों के दरमियान थी। मतलब दरख्त कितने बड़े थे, उनके बीच में से इतनी लंबी उड़ के गई थी ये। हमला करेगी भाई, झील से बड़ी है सर। अगर लाइट नहीं होती हमला ना करते। मैं जानपुर जैसा, सुनिएगा, जानपुर जैसा बिल्लियां जैसे लोटी होती है। कभी कभी तुम को कौन जैसा है, इनका रोना जानवरों जैसा है, बिल्लियां जैसे रो रही होती हैं। वो देखो फिर बिल्ली आ रही है। सुन भाई, इनका रोना सोना बिल्कुल भाई बिल्लियों जैसा रोना है इनका। चमक चमक कैसे रहे, कौन सा लिबास है इनका, ये चमकीला लिबास है, चमक रहे हैं, ये चमक रहे हैं। कौन ये चमक रिकॉर्ड हो रही है, शराब गई आंखों से तो दिख गया था। यहाँ बिल्ली आ रही थी ना बार बार, ये यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ जो है ना आई जा रही थी और एक टाइम पर आके यहाँ बैठ गई थी। आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर, यहाँ जो है ना हम एक समय में शौक लगा हमें कि यार कटे हुए दरख्त के पास कोई गोल दायरे में बैठकर रो क्यों रहा है। और जो हमें शुरू से रोने की आवाज़ें आ रही थी जब हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया था, तो क्या वो तमाम आवाज़ें इनकी थी जो उस वक्त हमें लाइट में नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन थे हमारे आसपास ही। एक जगह पर मेरे पांव के रोंगटे खड़े हो गए थे यहाँ पर। और ये तभी हो पाता है जब कोई बहुत ही करीब हो आपकी या कोई चीज़ छू जाए आपको ना। तो यही महसूस हो रहा था कि हमारे ना हम चार अकेले नहीं, हमारे आसपास ये शुरू से ही थे। अब जाकर जब अंधेरे में हमने एक चीज को रिकॉर्ड किया तब जाके चीज वाजे हुई कि वो रोना, ये चमकीला लिबास और ये लातादाद होना इस चीज का सबूत है कि यार वाकई जो है ना कि हमने वो देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया जो सुना भी नहीं था कभी। देखिये चमकीले लिबास हमने बादशाहों के, दुल्हनों के, तो बहुत देखे लेकिन सफेद चमकते हुए लिबास का। मुझे तो सच्ची बात है, मुझे तो बार बार सफेद से सफेद कफन पूछ लग रहे थे। ये इनको बार बार कफन लगा और मैं इनसे कह रहा था कि यार कफन चमकता नहीं है। चमकता नहीं है, कॉटन का कपड़ा क्या है, ऐसा कपड़ा नहीं होता, शाइन नहीं होती उसमें। ये शाइन जो है ना, वो तो नुमा नहीं होती ना वो, ये शाइन जो है ना मुझे बड़ा वो कर रही थी। लोगों ने ख्वाबों में देखा है बड़ा ही। एक ख्याल ये आता है जैसे नुरानी हस्तियों के मुताबिक कहा जाता है कि जी उनमें चमक निकल रही होती है, नूर फूट रहा होता है, एक शाइन जो है ना माशाल्लाह उनके अगर सफेद बाल होंगे वो भी बड़े शाइन कर रहे होंगे बगैर तेल के। हाँ सही, तेल लगाने के अलावा कह रहा हूँ मैं आपसे, देखा है मैंने, सही बात है। तो इसी तरह ये, लेकिन यहाँ कोई बाल नहीं चमक रहा था,
वो जितने थे वो पूरे चमक रहे थे ऊपर से लेके नीचे तक। अब वो उनका कपड़ा था, वो खुद थे, मैं श्योर नहीं हूं इस बात पर कि या इनका जिस्म था या सिर्फ एक लाइट ही थे। कपड़ा तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन से पूरा एक जैसा ही होता ना। यस, एक जैसा नहीं था, कहीं कहीं डार्क, कहीं जी, जैसे हमारे कहीं अगर हम पर लाइट पड़ती है हमारी किसी चीज पर रोशनी होगी, कोई चीज अंधेरे में होगी, जैसे बॉडी होती है वैसे ही यार, मतलब डेप्थ कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं ये वाजे नजर आते, कहीं कहीं नहीं आ रहे थे ये। जी अब ना आपने बड़े गौर से सुनकर महसूस करना है इस पर और मुझे बताना है कि जो हम समझ रहे हैं क्या ये वही बात है या कोई और वजह है। ठीक, चार हम हैं जी। रुके रुके, जैसे कोई बहुत खुशी में करता है ना, कहने आप नारे मारता है या खुशी में खुशी मनाते हैं, शोर करते हैं, खुशी वाला एंगल कुछ वो महसूस हो रहा था, लेकिन आवाजें फीमेल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि अफ्रीका की कबाइल जो नहीं करते हैं अपना एक खुशी का इजहार, मुख्तलिफ किस्म का जंगलों में जो करते हैं ना, उस तरह का कुछ मुख्तलिफ किस्म की गैर इंसानी इंसानी आवाज टाइप की थी। कोई अपनी रस्म पूरी कर रहा हो, कोई खुशी मना रहा हो, कुछ वो आवाजों की ये शुरुआत हुई है अभी। मैंने सिर्फ वहां पर एक से दो नीम के पौधे रखे हैं जाके और बाकी आप लोग निकालना शुरू हुए, यहाँ से इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। आगे सुनिएगा। जैसे कुमारी के टाइम पे टटेरी ने शूट किया था ना, पांचवा भी जरा भी मालिक की तरफ से समझने में या फिर भाई से गलती सुन रहे ना, पांचवा भी जरा भी मालिक की तरफ से समझने में या फिर भाई से गलती। तकरीबन 25-30 मुख्तलिफ जानवरों की, इंसानों की, अजीब मखलूकात की आवाज मिक्स करके और ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम है पूरा भरा पड़ा मजा है। इसमें ना दो आवाजें तो बड़ी वाज़े थी, एक चीखें थी खवातीन की और एक कुत्ते का भौंकना था। उसे समझने या जिस भाई से गलती हुई उसकी सुन। अब वो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना आवाज की, वो सेम है, कम ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है एक ही जगह से वो दोनों आवाजें आ रही है, ना कुत्ते की ज्यादा है ना चीखों की ज्यादा है, बराबर है उनकी आवाज की जो पिच है ना वो बराबर है, मतलब एक ही जगह पर वो दोनों आवाजें आ रही हैं, जानवर भी भौंक रहे हैं, चीखें भी आ रही हैं, लेकिन कोई दूर करीब नहीं है। अगर दूर है तो दोनों एक साथ हैं, करीब है तब भी दोनों एक साथ हैं, फर्क नहीं आवाजों। जो प्रोड्यूसिंग पॉइंट है ना वो जंगल ही था ना, जी जी जी, जो हमें चीजें गिर रही थी वो जी 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 जी, दरख्तों के पीछे का हिस्सा था ना। आप समझ रहे हैं बात, जैसे मैं और शायद भी बात कर रहे हैं ना, इस कमरे से एक बात की आवाज बाहर वाला सुनेगा तो कहेगा दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और यही अगर मैं नीचे होऊंगा ये ऊपर होंगे तो बाहर जो अगर हम दोनों बात करेंगे तो उसको पता चल जाएगा एक दूर है एक करीब है, एक आवाज दूर से आ रही है करीब से आ रही है, ये आवाज़ें एक ही जगह से आ रही थी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम पिच पर वो ऑडियो थी। सुन रहे ना, हमें चीखे महसूस हो रही और ये जैसे ही पौधों को हाथ लगाया ना, जब ये सोचा और गेट खोला उसके बाद वहाँ की, उससे पहले आप देखें हम कितने घंटों वहाँ घूमते रहे और हमारे साथ और वाकयात हुए, लेकिन ये शोर नहीं आया। आधी रात, आधी रात, आधी रात में आया जी। लोगों ने बहुत दफा सुना है कि रियल वाकयात है कि उन्होंने अंधेरों में जंगलों में ढोलों की बजने की आवाज, शहनाई की बजने की आवाज सुनी। एक तो बेसिकली जिसको हम ढोल समझ रहे हैं ना, एक होता है नगारा। हाँ, नगारा। तो एक ख्याल मुझे ये है कि जिस तरह एंशियंट दौर में एक नगारा लेके आता था, खासकर किसी जंग से पहले और खुशी में,
ये तो बाद में आए ढोल, तो कुछ आप अगर नोट करें ना, आप ऑडियो आएगी जरा क्लियर चेक कीजिएगा आप खुद ही। ढोल बजने लगे यार, गड्ढे शुरू किए, ढोल बजने लगे, खुशी खुशी। अब पहले ढोल नहीं बज रहे थे, पहले चीखों की आवाज आ रही थी, जब आधे पौधे हमारे हाथ में थे, आधे हमने रख दिए थे, कुत्ते भौंक रहे थे और चीखों की आवाज आ रही थी। फिर हम जिन्हें जब खुदाई शुरू की है तब ढोल भी ऐड हो गया है, नगारा भी ऐड हो गया है इसके अंदर। आप नोट कर लीजिए, रिजल्ट लगी ढोल बजने लगे, अब ना आप पता है कहां से रही थी, डायरेक्शन क्या थी। हम यहां बैठे हैं ना, तो हमारे सामने से हम दाखिल हुए थे, बाईपास रोड हाईवे, यहां से हम आए थे, हमारे पीछे था जंगल, आवाज उधर से आ रही थी, हमारे पीछे जंगल से आ रही थी। ये चीज और स्ट्रेंज थी कि चलो उस तरफ से आ रही थी, शायद कहीं दूर आधी रात को कोई किसी को सूझी है कि भाई वो ढोल बजा के सर्दी के अंदर रात को, ये आधी रात में कैसे लोग जमा करेगा शादी का एंड, मतलब कुछ चीज होती है ना, मतलब ये लोग आते हैं बैठते हैं खाना चलता है और आवाज भी प्रोड्यूस होगी, महफिल भी जमेगी। हम कितने रस्से रहे हैं, कितने वक्त एक इंसान के प्रोग्राम होता है जी, वो शाम से स्टार्ट हो जाता, तो ये तो इंसानी प्रोग्राम नहीं था भाई, इसकी कोई कोई झलक तो पहले आती ना, मतलब शुरुआत टाइम मतलब रात 12-1 बजे कोई शुरू तो नहीं होता इस ठंड में, इस इलाके में ठंड कम थी और आप लोग कह रहे ठंड कम है इस इलाके और इस टाइम पर ना, जो चीज मैच नहीं हो रही। इससे पहले जो आवाजें थी वो रोने की थी सर, रोने की थी, सिर्फ रोने की आवाजें थी। और ये जब आपने गाड़ी में से निकाला है उसी वक्त ही, आपने हाथ लगाया है, पौधे निकलना शुरू हुए हैं जी और ये चीज का शुरुआत, ये डाउट है ये नॉर्मल नहीं है। मुंह देखे मेरा पत्ते के वजह से मैंने आवाज प्रोड्यूस की, हां तीसरी बार हो रहा है, हमारे दिल में रहता था वो दिन में जो भाई आते हैं वो पानी को देखते हैं। बिल्कुल जी, एक एक होती है मादी खुशी ना, फरमाते हैं एक होती है अंदर की खुशी ना, मन की खुशी। तो मुझे पता है कई लोगों को ये अदा ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी और कई लोग चाह भी रहे होंगे ऐसा, तो इसीलिए मैंने आपकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए ना यहाँ तक कह दिया कि भाई जो दिन में भाई या आसपास के लोग ना उनको बस इतना कह दे, दिन में बस पानी का ख्याल कर देना, इस पौधे को क्या चाहिए, पानी चाहिए बस और तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी कोशिश कर दी है जी कि ये ना कि सिर्फ हम लगा के हट दे बाद में वो सूख जाए पानी भी ना मिले, ये भी कह दिया है जी, अल्लाह खैर करेगा। एक नहीं हमने 5 लगाए यहाँ पर, 4 तो हम लोग थे। फिर फरमाते हैं कि अक्सर चाय के होटल पे ना गिनती होती थी ना, बार वाला आता ना जी कितने बंदे हैं कितनी चाय, तो अगर 4 होते ना तो आप फरमाते 5 आते, 1, 2, 3, 4 हम 5 में लापा आते, रखना है रब को खुद साथ ना अपने। अब यहाँ पर मालिक मौजूद नहीं थे, जिसने एक दरख्त काटा वो मौजूद नहीं था, ये था तो इंसान ही यार, उसी की एक वजह से हम दोबारा यहाँ आए, ये चीजें दोबारा देखने को मिली। पहली बार मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, पहली बार हमने कोई चमकीली चीज रिकॉर्ड की, एक से ज्यादा तादाद में पहली बार हमें कंफर्म हुआ कि यार ये जानवरों की आवाज में रोना सिर्फ जानवरों का नहीं होता। पहली बार हम इस हद तक वहां हमने महसूस किया जैसे हम वाकई उनके दुख में शरीक हुए, हमने फील किया
ये चीज़ मुझे खास से इस चीज़ का हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि आप लोग जब शुरू में गए थे ना तो दरख्त के पास खड़े हो गए, मैंने लोकेशन नहीं देखी हुई थी ना, एडिट के थ्रू देखा हुआ था, तो आप लोग वहीं खड़े हो गए। मेरे ख्याल से इस वजह से ही नरम दिल पैदा हुआ मखलूकात को, जो हमें डर था ना कि इतने बड़े हमले होंगे। बात ये ना देने को कुछ है जी, ना लेने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकई सोहेल भाई के हाथ जुड़ गए थे यहाँ पर, हम लोग रंजीदा थे, हमें ये महसूस हो रहा था किसी कब्र पर आए हुए, और हम इस चीज को महसूस कर रहे थे, मतलब इसमें कोई अल्लाह बेहतर जानते हैं, वो खोट नहीं थी। अब ये कोशिश जी, तो पांचवा हमने क्या किया कि उस मालिक की तरफ से, उस काटने वाले भाई की तरफ से, ताकि माफी तलाफी हो, दिल साफ हो, ये रंजिशें, ये जो दुश्मनियां, ये बढ़े ना, और इससे उन लोगों का नुकसान ना हो जो उनका बेचारों का ना कुछ लेना है ना देना, जो गुजरते हो आसपास आए बाद में आए। तो बस जी ये कोशिश थी, और महसूस ऐसा हुआ, अप्रिशिएट किया गया। हम गए सुरजानी टाउन नॉट फॉर सेल बंगले में, 510 वाले नदीम साहब, नदीम साहब, नदीम साहब, वो जो पत्थर फेंके हैं, सोना फेंका है यार, दरवाजा रोकने के लिए कोई मार को पत्थर लगाया तो वो ये लाखों में वक्फ कर दिया जी। वहां हम मुलाकात करने गए उनसे, हमें नहीं समझ आया क्या ले जाने, मिठाई रखी वहां पर, वो उन्होंने कबूल की, बिल्ली आई पता नहीं कहां से और कहां गई, हमें नहीं पता, देख सकते हैं। हम जी जाना हुआ हमारा कुम्हारी पे, हम ढूंढते ढूंढते कुछ दूसरी तीसरी बार पहुंच के हमने वहां पर कुछ वो दरियाफ्त किया, जो कह लें एक झांझर कह लें, घुंगरू कह लें, और जैसी हमने वो निकाला, जो वहां पर टिटेनियम का शोर था ना, तो आप लोगों ने बोला कि भाई ये जवाब आया, रिजल्ट आया खुशी का। इसी तरह मुझे महसूस हुआ जहां हमने पौधे निकाले, मतलब कि टाइमिंग कौन मैच करता है यार, इसी वक्त पर ऐसा क्यों होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। सजा को देख रहे होते ना आपको, हम नहीं देख पा रहे, वो हमारे अमल को, हमारी नियत को, हर चीज को। इससे पहले जी वो एक माशाल्लाह वो एक दरख्त में से जो 12-15 दरख्त निकल रहे थे, जिसको मैंने आसारे कदीमा का नाम दिया, वहां मिठाई ले गए जी, वो बिल्ला आपके सामने ज्यादा किलो मिठाई माशाल्लाह खा गए, उसके बाद वो ऐसा बकरा निकला उधर की हम ही नहीं खड़े हो सके वहां पर, तो बड़ा बकरा। तो ये सब आपके सामने, मैं मिलते हैं आप लोग अक्सर मुझे, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि यार ये करने वाले काम है नहीं, ये करवाए जा रहे हैं, तो ये भी करवाए यार, ये सब कैसे हो जाता है, मुझसे पूछने से याद ये इसी तरह हमारे भी ये तमाम रिएक्शन हम गुजरे हैं, जब हमने पहली पहली बार देखा, हमारी हैरानियां भी आपने, परेशानियां देखी, डर बहुत देखा, भागना सब आपके सामने आ गया। तो इस पर भी मुझे यकीन है, मुझे तो ऐसा ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको बताया, हो सकता है गलत, मैंने तो दरख्त में से, मैंने कोई बहुत बड़ा वजूद वो दरख्तों में से हिलते जुलते हुए देखा था यार, यूं बिजली से तेजी से गया, मेरी आंखों ने देखा जो भी चीख के पीछे हूँ, वो तो अंधेरे में, तो इस जगह पर हमारे साथ ऐसा था सज्जाद कि हमें पता नहीं चल रहा किससे हमसे क्या चीज आ रही है, अपोजिट खड़े हुए थे ना, इधर देख रहा कोई, इधर देख रहा कोई, उधर देख रहा, लाइट 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 था कि लाइट बंद ना हो जाए, फर्स्ट टाइम हमें इतना डर लग रहा था। आज से पहले कोशिश सही बड़ा कुछ बार हुआ, मिठाई बहुत बार दोस्त बहुत बार गया, कुछ बहुत बार ये कोशिश आज से ये सब खुद ब खुद हुआ, कोई ना सोच के गए थे ना प्लान, तो वहां सब पहुंच के क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, पैसे 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 बस वो कर जाते हैं आगे तक की जाएगी सब आपके सामने। फिलहाल इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।